आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, जो भी आप वीडियो देखते हैं बिहार इन्फो चैनल पे जो भी वीडियो पब्लिश होता है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से जुड़ी जो भी आपका डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट्स का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। तो हर शाम 24 घंटा या एक दिन का जो कमेंट्स आया रहता है उसका हम जवाब वीडियो के माध्यम से देते हैं, ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये बात आपको बता देते हैं कि इस वीडियो को हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं, इस वीडियो को ज़्यादातर हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी डाउट होते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, उसका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व हो उसका हम पूरा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पहला डाउट यहाँ पे है कि सर मेरा फ़ोटो अपलोड हुआ है लेकिन शो नहीं कर रहा है। तो बता दें, इनका जो डाउट है कि फ़ोटो आप डाले हैं लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो ये नेटवर्क का इशू हो जाता है कभी का, तो ये हो जाता है। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो इसका समाधान हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए 400 रुपया लग रहा है, फिर कॉलेज में 2000 रुपया लग रहा है। आप देखिए, 400 रुपया लग रहा है, 2000 रुपया कुछ पैसा कम लग रहा है, प्राइवेट कॉलेज में भी 700 रुपया लग रहा है, लेकिन जहाँ तक 2000 का बात बोल रहा है तो यहाँ पे कॉलेज मानामानी कर रहा है। ये 2000 रुपया नहीं लगना चाहिए, ये गलती बात है। सरकारी कॉलेज रहता तो कुछ एक्शन लेते हम लोग, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कुछ तो एक्शन नहीं ले सकते। नीचे डाउट है कि स्कॉलरशिप नेहरू कॉलेज डेहरी का नाम नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो देख सकते हैं, ये कॉलेज से बात कीजिए आप लोग कॉलेज का नाम डालने के लिए, क्योंकि डीके कॉलेज डुमराव का भी नाम नहीं था, तो ये 2-3 दिन हुआ ये भी नाम आ गया है, ये भी कॉलेज के प्रिंसिपल ही बता देंगे, ये आ जाएगा तो आप लोग प्रिंसिपल से ही बात कीजिए। नेक्स्ट है कि सिग्नेचर उल्टा अपलोड हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डाउट है बेस्ट यूट्यूब चैनल वर्ल्ड MD चैनल, तो आपको भी धन्यवाद। यहाँ पर जो भी कमेंट्स का जवाब हम देते जा रहे हैं उसको हम पिन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय आरा का कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे हम कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई में भी आता है तो नो नोटिस, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई जवाब नहीं आता है कि कॉपी का हाल क्या है, कॉपी कहाँ है, रिजल्ट कहाँ रखा गया, कोई जवाब नहीं है। साथ ही यहाँ पे महात्मा गांधी कॉलेज लहारा पेरो में रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपया लगा है, तो प्राइवेट कॉलेजों में कहीं कहीं लग रहा है, ये भी नोटिस हमारे तरफ आया, ये आप ही का कॉलेज का नहीं है, हर प्राइवेट कॉलेजों में यही हाल है, यही पूरा नियम बना हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड देंगे तो पैसा लेंगे, फिर आप सत्यापन कराने जाएंगे तो पैसा लेंगे, ये हर प्राइवेट कॉलेज का नियम बना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड सब्सिडरी में गलत हो गया है, तो आप ये कॉलेज में जाएंगे तो सुधार हो जाएगा, कॉलेज सुधार कर देगा, यदि कोई दिक्कत है तो आप आरा भी जाकर सुधार करवा सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए धन्यवाद, यहाँ पे आपको भी धन्यवाद। यहाँ पे जो कमेंट्स है इसको हम पिन करते जा रहे हैं। DV का टाइम बढ़ेगा जैन कॉलेज में या नहीं, DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी की शॉर्टकट लिखे हम समझ पाए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम बढ़ गया है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 तारीख तक करवा सकते हैं अपने कॉलेज में जाकर। रजिस्ट्रेशन कार्ड में नाम गलती हो गया है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर आप सुधार करवा सकते हैं, आयुष लाइब्रेरी। अजीत कुमार महात्मा जो भी महिला कॉलेज है इसमें 2020-23 का वीडियो के जरिए बता दीजिए कि प्लीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो बता दें कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 तक जा सकते हैं कॉलेज में, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। PG का मेरिट लिस्ट 2020-22 का, 22 सत्र है लेकिन 22 स्टार्ट होने वाला है, मेरिट लिस्ट का नामांकन तो छोड़ ही लीजिए, यहाँ पे मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय रखा, अब इसमें क्या किया जाए इसका भी कोई नोटिस नहीं है। स्नातक पाठ्यक्रम का जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। PG का मेरिट लिस्ट कोई अपडेट नहीं है इसका भी। कटअप काम होने के जगह बढ़ गया, कटअप कम होने का जो बढ़ गया क्यों बढ़ा इसका भी वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए चैनल पे, जो आपको बताया गया है कि क्यों बढ़ा है, सब्जेक्ट चेंज हुआ है इसी के कारण बढ़ा है, आप जाकर देख लीजिए। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट कब तक है ये भी डेट बता दिया गया है, आप जाकर कॉलेज में 10 तक ऑनलाइन भर सकते हैं, 10-11 तक। और प्रैक्टिकल वाला कैसे होगा, प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम होगा तो बताया जाएगा। सर ये सेमेस्टर ACS पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा, सेशन शॉर्टकट तो ऐसा लिखते हैं कि हमको भी समझ में नहीं आता है, सेशन पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दिया है आशा कुमारी आपको भी। BKC 2020-23 का एग्ज़ाम फॉर्म का डेट बढ़ गया है, आप जाकर नोटिस देख लीजिए। सर मैं जब एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा था तब मेरा फ़ोटो डबल लगा दिए हैं,
तो आप सिग्नेचर नहीं लगाए हैं तो आप मेल कर दीजिए। मेल करने का हर कल का एक वीडियो देख लीजिए, कमेंट्स का जो बनाए हैं उस पर आपको बताएं डाउट कैसे करना है क्लियर। महंत महिला का एग्जाम फॉर्म जमा होगा, आप जाइए कॉलेज में जमा होगा। सर मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो रहा है तो आप 48 घंटे का वेट कर लीजिए। राज पांडे जी, आदित्य कुमार BC1 का जगह पेमेंट 295 बट जो आपका 195 बिल आ रहा है जी, BC1 का 195 कट रहा है, आज मेरा लिस्ट में नाम आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यराज ऑफिशियल का। वॉइस क्लियर, अब रूम में रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता होगा। यहाँ पे नेक्स्ट डाउट है, BSc Part 1 का एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है, प्लीज कैसे चेक होगा? BSc Part 1 का एडमिट कार्ड कौन सा सेशन है? कल के आप वीडियो के कमेंट्स में आपको बता दिया जाएगा, नया कमेंट्स कीजिएगा इस वीडियो में। स्पोर्ट एडमिशन कब से होगा इसका भी डेट आएगा, आपको बताया जाएगा। थैंक्स ब्रो। सर BA Part 2 2021-23 का एग्जाम फॉर्म का डेट बढ़ गया है। नेक्स्ट डाउट है भैया, HDJN कॉलेज आ रहा का हिस्ट्री अनर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप कॉलेज में जाइए। यहाँ पे SRA, यहाँ पे थैंक्स इन्फॉर्मेशन अस भाई, पेमेंट कट दिया है बस रसीद नहीं मिला, तो आप 48 घंटा का वेट कर लीजिए। मैथ है स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका 2022-23 का फॉर्म भरा गया उनको कब तक जमा करना है SPJN कॉलेज में? कॉलेज में आप सोमवार को जाइए, जमा हो रहा। नेक्स्ट है सर, कॉलेज का कितना पैसा लगता है बताइए? कॉलेज में आप जाएंगे तो सरकारी कॉलेज में 400 से 500 और प्राइवेट कॉलेजों में 700 से 800 रुपया लगेगा। नेक्स्ट BC2 और BC1 में दिए उसमें सही होगा कि नहीं? क्या रोशन कुमार जी का नेक्स्ट, हमको बात समझ में नहीं आ रहा है इनका डाउट। सर BC2 में हाँ और BC1 दे दिया है, तो आप इसके लिए कैटेगरी सुधार करवा लीजिए, आरा जाकर या कॉलेज में जाकर सुधार करवा लीजिए। शेरशाह कॉलेज सासाराम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप कॉलेज में जाइए सोमवार को। 19 से 22 का रिजल्ट का भी अपडेट बता दिए हैं। Part 2 का एडमिशन नोटिस अभी तक नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एडमिशन नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज में हो भी गया है कहीं कहीं। एग्जाम फॉर्म में ब्लैंक एंड वाइट फोटो डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिए कि पेमेंट हो गया है बट रसीद नहीं मिला है, तो आप वेट कर लीजिए, शायद आपका हो भी गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डाउट कि BA Part 1 का रिजल्ट का हाल कोई नहीं है, वीडियो अपलोड हुआ है अदर चैनल पर, एडमिट कार्ड मिल रहा है। 2019-22 का एग्ज़ाम है लिए लिए हैं बट यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हुआ है अदर चैनल पे, कोई इसका अपडेट नहीं है। महाराजा कॉलेज में वेरिफिकेशन हो रहा है, आप कॉलेज में जाइए सोमवार को, प्लीज़ बताइए ना। यहाँ पे अटल कुमार जी का मैसेज हमको पता नहीं है कहाँ पे आए यहाँ पे। और फाइनली मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, थैंक्स भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा अनर्स सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो आप कॉलेज में जाकर शो करवा लीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद कॉलेज वाले पैसा क्यों ले रहे हैं? ये प्रैक्टिकल के भी पैसा लग रहा है, आप प्रैक्टिकल का पैसा दे दीजिए अभी। रवि आनंद जी, कॉलेज में वेरिफिकेशन का डेट कब तक है? 10 तक डेट बढ़ा है। महाराजा कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा? सोमवार को जाइए। सर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए पैसा कितना लग रहा है? यही बताया है आपको, 700-800 प्राइवेट में और 400 तक सरकारी कॉलेजों में। एक फ़ोटो के जगह पर सिग्नेचर और सिग्नेचर के जगह फ़ोटो, आप मेल करके सुधार करवा लीजिए vksu@helpenable.com पे। सर मेरा एक फॉर्म में फ़ोटो, वही बता दिए हैं। सर DK कॉलेज में अभी तक वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं लगा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ? सोमवार को जाइए, सोमवार मंगलवार से सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा, जैन कॉलेज का भी। SPJN कॉलेज में पेमेंट कर दिए हैं, कॉलेज में मेल भी गया आ गया है, पेमेंट हो गया है, लेकिन कॉलेज का पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो करने पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा, इसका इशू कल था, आप लोग इंतजार कीजिए, हो रहा है। 20 से 23 का एग्जाम फॉर्म का डेट बढ़ गया है, Part 1 का रिजल्ट प्रमोटेड का कब आएगा? इसका कोई अपडेट नहीं है अभी तक। सर हम लोग का ऑनलाइन किए हैं, कॉलेज में जमा कब होगा? आप कॉलेज में जाइए, यहाँ पे फर्स्ट पिनअप, यहाँ पे जो वीडियो हम पब्लिश किए थे यहाँ तक हम डाउट कल तक क्लियर कर दिए थे, जहाँ पे आप देख सकते हैं पिनअप किया गया है। तो पूरा कमेंट्स जो आए थे इस वीडियो के माध्यम से हम बता दिए हैं, अभी तक के 45 मिनट तक किसी का कमेंट्स नहीं आया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।